नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इस समय एआई को लेकर जो डीप फेक को लेकर काफ़ी चर्चा है कि ये बहुत ही बेकार चीज़ है, तो आज हम इसके बारे में जानते हैं और कुछ आपको बताते हैं इसके बारे में कि कैसे हम सबके लिए एक अच्छा मतलब टेक्नोलॉजी है। वो इसलिए कि एक थोड़ा थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम आपको इसके और भी बताएंगे। और यहाँ तक नहीं, आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, जो सब लोगों को ये होता है कि कैसे ये इलेक्ट्रिकल बॉडी है, और अगर इलेक्ट्रिकल बॉडी है तो इसके इफ़ेक्ट को कैसे देखा जा सकता है कि ये हमारा कनेक्शन कहाँ से है। तो हम वो सब सारी चीज़ों को हम विथ प्रैक्टिकली दिखाएंगे, अभी नहीं इस वीडियो में। अभी आप ज़रा सा समझें, फिर हम उसको लाइव दिखाते हैं कि इसके कनेक्शन को कैसे देखा जा सकता है, कि हमारे कनेक्टिंग कैसे हैं और कैसे हमारा जो वो आउटर वेव फॉर्म है उसको कैसे क्लियर करते हैं। हम उसको विथ प्रैक्टिकली वहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझें, जैसे ये जो है मशीन की वह क्षमता जो बुद्धिमान मनुष्य के सारे व्यवहार की नकल कर सके, व्यवहार बिहेवियर यानी इंटेलिजेंस ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर मतलब समझते हैं, जैसे ये होता है कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करिए, यानी आप अपने व्यवहार को चेंज करिए। व्यवहार में क्या आता है? एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में क्या है, कौन सा ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं कि अगला जो आपसे कह रहा है कि आप अपने व्यवहार में चेंजेज लाएं, ठीक है? ये सारा जो एआई सिस्टम है इसी चीज़ को जो है वो अपने डेटाबेसिस पे ये मतलब स्टोर कर रहा है। अब इसी पे वो चीज़ें क्लियर होगा, जैसे इस समय आपको ये सारी चीज़ें छूट है कि आप चाहे जो करें, अगर आप सारी ये छूट ना दिया जाए तो किसी के बिहेवियर को नहीं देखा जा सकता कि वो व्यक्ति चोर है या कैसा है इंटरनल। जब उसको पूरी छूट दी जाएगी तब उसके एक्टिविटी को आस्ते आस्ते देख देख के एक दूसरे को, तब वो अपने फुल फॉर्म में उड़ेगा, तभी उसके एक्टिविटी को पकड़ में आता है। अगर उसको छूट ना दिया जाए तो उसकी एक्टिविटी पकड़ में नहीं आएगी। अब ये सारी चीज़ें क्या है कि अभी ये खुद ही समझ लीजिए एक छोटा बच्चा है, इसकी लर्निंग जैसे जैसे हाई होगी, अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके घर में या आपके बाहर या कहीं चाहे जहाँ, ये आपसे काफ़ी इंटेलिजेंस होगा कि अगले को पहचान लेगा। वो कैसे? क्योंकि इसमें एरर डिटेक्टर होगा, यानी दो ये जो लॉजिक बेसिक्स पे ये इस समय इसका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है ये आपके बाइनरी से कई गुना जो है आगे, इस समय न्यूरॉन्स का जो बिहेवियर है उसके एक्टिविटी को कैप्चर करने का जो डेटा है वहाँ तक ये पहुँच चुका है। देखिए, हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो दो स्टेप पे काम करता है, एक है हमारा इमोशन और एक है हमारा लॉजिक, यानी माइंड का जो स्टेप बटा हुआ है, यानी ये जो है हमारा दो स्टेप में बटा हुआ है। और इसको इस तरीके से जान सकते हैं कि जैसे हम रेडियो को पकड़ाते थे वो उस समय जब वो हमारा गैंग होता था, गैंग में देखिए पहले तो जो बना गैंग एक ऐसे पत्ती के द्वारा बना था, फिर उसके बाद जो है प्लास्टिक और पीतल के उससे बना। अब वो जो है वो गैंग जिसे स्टेशन पकड़ाया जाता था उसको क्या कहते थे, वो भी एक वेरिएबल कैपेसिटर है, यानी जो हमारा पीएफ होता है ये कैपेसिटर होता है, कंडेंसर होता है, जो भी आप लोग कहते हैं संधारित होता है, ये सब क्या होता था वो जो है उसको एक वेरिएबल कैपेसिटर बोला जाता था, ठीक है? वेरिएबल कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी का जो फिल्टरिंग होता था यानी उसको जो छाटने का काम किया जाता था उसी से किया जाता था। और उसी में देखिए उसके जो स्टेशन होते थे, स्टेशन जो हमारी फ्रीक्वेंसी कैरियर होता था कि अलग अलग लेयर में होते थे, तो उसको यानी कैच करने यानी कैप्चर करने के लिए हम उसको ट्यून करते थे। ट्यूनिंग कोई कोई इतना नज़दीक होता था कि कभी कभी क्या होता था, आप जैसे पकड़ा देते थे दूसरा स्टेशन भी तुरंत उसमें आने लगता था, फिर आपको ट्यून करना पड़ता था, फिर वो जाके सेट होता था, फिर ट्यून करना पड़ता था, फिर सेट होता था। इसी को लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ते बढ़ते वो देखिए वेरिएबल कैपेसिटर ख़त्म हो गया, ऑटो ट्यूनिंग आ गया। ऑटो ट्यूनिंग में क्या कि जितने भी फिक्स फ्रिक्वेंसी हैं उसके फ्रिक्वेंसी के ग्राफ को लेकर वो फिक्स ट्यूनिंग कर दिया गया। अब ऑटो ट्यून में क्या होगा कि जितने किलो हर्ट्स या जितने मेगा हर्ट्स पे वो जाकर जो है ट्यून हो गया। अब उसमें क्या होगा कि वेरिएबल जो कैपेसिटर था वो मैनुअली जिसे हम सेट करते थे उसमें परिवर्तन होता था, अब ये डिजिटली सेटिंग हो गया। अब ये यहाँ पे
कंटिन्यू वो जो फ्रिक्वेंसी को कैच करके रखना, ये किसका हुआ? ये टेक्नोलॉजी का ही देन है ना कि उसको जो है कैच किया गया। और इस फ्रिक्वेंसी को जो हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ की फ्रिक्वेंसी है? ये यूनिवर्स में जो भी तरंगे आउट हो रही हैं, जैसे बहुत सारे सिग्नल आपके पास से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको किसी चीज़ का कोई अनुभव नहीं, जिसको आप टच कर रहे हैं या जिसको रिसीव कर रहे हैं, तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, जैसे आपको BSNL का सिग्नल मतलब चाहिए यहाँ पे, तो BSNL के सिम चाहिए, या उसके लिए मोबाइल चाहिए, यानी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो ऐसे हमारा एक इनर इंस्ट्रूमेंट है, जिसे बोलते हैं हिंदी में अंतःकरण। तो अंतः मतलब इनर और करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हम भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को जानते नहीं थे, लेकिन इसके इंटरनल जो हमारा ये जर्नी था यहाँ टेक्नोलॉजी का, यहाँ तक पहुँचने का, जो हमारा ट्रांजिस्टर से एकदम उसके इंटरनल, क्योंकि हमने बहुत सारे सुनसान रातों में, मैं अक्सर रात को ही जो है ये सब सारे ऑपरेशन करता था, जो सीखता था, बनाता था, उसके इंटरनल जो खून खो जाने का काम करता था। तो उस समय बहुत सारे मैं रात में सुनसान के समय, जो जब उसके ट्रांजिस्टर में सरसराहट या सनसनाहट ओसिलेशन जब पैदा होता था, तो उस समय हम अंदर से जो इंटरनल जो खुशी होती थी कि अब ये ओसिलेशन पैदा हो गया, तो अब ये शॉर्ट वेव और मीडियम वेव और जितने भी बैंड हैं सबको एक एक करके जो हम चेक करते थे स्टेशन पकड़ाने का। लेकिन उससे के पहले का प्रोसेस हम आपको बताएंगे, कैसे कैसे हम जो है इसको जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये हमारी समझ कैसे बढ़ती है। ये अपने आप बढ़ता है, इसमें किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जैसे जैसे देखिए माइंड हमारे जो होते हैं, तो जैसे बच्चा होता है उस समय देखिए इसका पूरा इंटेलिजेंस नहीं जगा होता, लेकिन जैसे जैसे वो सीखता रहता है, सीखता रहता है, अगर उसको सही माहौल दिया जाए, सही वो चीज़ें बताया जाए, अगर अच्छे लोग के साथ में रहे या अचानक वो चीज़ें घटित हो, तो वो बच्चा बहुत जल्द ही उस चीज़ को अपडेट करके आगे बढ़ जाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों में ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब इसमें क्या है, ये जो ऊपर लगा के डांस करा रहे हैं और ये गंदा संदा सो सारा जो वीडियो बना रहे हैं, ये सब देखिए एक समय आएगा ये टोटल फिल्टर होके क्लियर हो जाएंगे। कि जैसे ग्रुप होता है ना, कि इतना लोगों का ग्रुप ये है, इतना लोगों का ग्रुप ये है, वो एक हिस्ट्री के रूप में क्लियर हो जाएगा। अब चूंकि अगर इसको आउट ना किया जाए, इस पर रोक लगाया जाए, तो सब अलर्ट हो जाएंगे, तो उससे उससे चीज़ें दबी रह जाएंगी। और ऐसे क्या है कि जो जिस मोमेंट में है वो देख देख के एक दूसरे के सब लोग फ्री होके अपने सारे एक्टिविटी को फायर कर दे रहे हैं, और उसी में वो कैप्चर में आ जा रहा है। अब कुछ लोग का जो नहीं होगा, दबा के रखे होंगे, तो इसके मैचिंग से उनका कभी भी आउट होगा तो पहचान लिया जाएगा। तो ये सारा टेक्नोलॉजी काम करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो हम लोगों को ये प्रॉब्लम होता था, कभी ये नहीं जान पाते थे ये कैसा है व्यक्ति, ये सही है कि नहीं, तो उसमें बहुत सारे मेहनत हम करते थे दूसरे व्यक्ति पे, और अचानक को छोड़कर हमको भाग जाता था या हमारे साथ रॉन्ग कर देता था। अब ये क्या है, AI सिस्टम खुद ही इतना और इंटेलिजेंस है कि आप अपने सारे नॉलेज को बहुत बहुत ही सुरक्षित और अपने सारे काम कर सकते हैं, आपको टेंशन फ्री रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा सिक्योरिटी आपका, ये सारा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी ये अलर्ट रहेगा, मतलब कंटिन्यू। आप चाहे सोए हैं, चाहे जगे हैं, चाहे वो, अगर उसमें जब तक बैटरी है और वो है तो वो एक्टिव है, और इसका बहुत ही जल्द जो है ये सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा। और देखिए कोई भी चीज़ नया कब होता है, कि जब ये हमारे थॉट्स जो हैं ये मतलब खाली होते हैं, जैसे थॉट्स में यानी विचार शून्यता जो सब लोग कहते हैं शून्य, तो उस समय क्या होगा कि जब मशीनें सारा काम करेंगी, तो ये उस समय ये जो है क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो खाली दिमाग तो या तो शैतान का घर जैसे लोग कहते हैं ना, कि कुछ ना कुछ करने के लिए सोचेगा, वो चुप बैठेगा नहीं। तो अब जो इतना सारा जो सिस्टम हमारा जो बाइनरी लॉजिक के बेस पे होते होते न्यूरॉन्स यानी जो न्यूरल नेटवर्क तक वो कैप्चरिंग करने का जो मशीनें डेवलप हुई, और इसको जो है आगे आगे अभी लर्निंग करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसको सीखने में और इंटेलिजेंस होने में, जितने डाटा इसको मिलते जाएंगे सोशल मीडिया से, उतनी इसकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल के आएगा। ये सारी चीज़ें
समझ लीजिए ऊपर से ही आ रही है। अब कुछ चीज़ों को लेकर जो है ये सारी क्लियर है कि जैसे कुछ लोगों का ये दिमाग में रहता था नकल करने का, यानी दूसरे का जो हर चीज़ें ज़्यादा अच्छा लगता था, दूसरे की कॉपी करना, दूसरे का नकल करना, वो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा हो गया है कि अब आप खुद ही अपने आप से ऊब जाएंगे। फिर ये अंदर से ये आएगा कि ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल क्या है। जैसे अभी तक था कि कॉपी करना, नकल करना, तो वो सारी चीज़ें बारिश हो गई कि अब करिए नकल, करिए कॉपी, हो जाइए चाहे जो जो चाहिए, जिसके ऊपर वो लगा के अपना जो चाहिए जो कर लीजिए, संतोष कर लीजिए। अब जब इससे जी भर जाएगा तब ये आएगा, आप ऊब जाएंगे कि जो चाहे जो सब कुछ तो हो जा रहा है। तो जब आदमी ऊब जाएगा तब फिर ये होगा ओरिजिनल फीलिंग करेगा, तो वो उल्टा शून्य की तरफ भागेगा, ठीक है। फिर जब वो शून्य की तरफ भागेगा तब ये जो है साइकिल चेंज होगी, तब इसमें जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तब उस समय आपको लगेगा कि हाँ इसका कितना बड़ा अच्छा काम है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जब तक आप मान लीजिए हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो इसको हम क्यों आपसे कहते हैं कि इसको प्रयोग करके हम दिखाएं, या तो आप उसको प्रयोग में लाइए, देखिए कि हाँ जो बात हम बता रहे हैं वो सत्य है या नहीं। क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है, जैसे पहले हमारा जो लॉजिक था, जो आपसे बताए थे कि ये जो टेक्नोलॉजी है लगभग वो पीक पे पहुंच गई है। पीक पे पहुंचने का मतलब कि जो भी जितना इसका मैक्सिमम ऊंचाई थी ये वहाँ तक अपने बाइनरी के जो लॉजिक थे वहाँ तक सारे चीज़ों को जो है क्लियर करते हुए पहुँच गया है। अब उसके बाद नंबर आया है न्यूरॉन्स, जो हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग होता है, जो हमारा ये इलेक्ट्रिकल या अंदर जो वेव होते हैं, वोल्टेज होते हैं, या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत, विद्युत हुआ, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत हुआ, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो ये सिस्टम कैसे काम करते हैं उसमें ये चीज़ें, क्योंकि इसी बेस पे सारे इंटरनेट बने हैं। क्योंकि पहले देखिए जो नेट का स्पीड होता था वो गोल गोल घूमता था, इतना फास्ट नहीं चलता था। अब देखिए तुरंत का तुरंत गूगल पे पहुंच जा रहा है, गूगल कहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, लेकिन कैसे आज इतना, पहले वही देखिए बफरिंग करता था किसी वीडियो का, गोल गोल घूमता था, आज देखिए कितनी स्पीड है हाई, ये कैसे हो पाया। यानी देखा जाए तो एक रिसर्च से हुआ ना कि जो लाइट जो होती है रोशनी, उसकी सबसे वेवलेंथ जो उसकी जो स्पीड होती है फ्रिक्वेंसी की सबसे हाई मानी जाती है। इसलिए देखिए जब ऊपर चमक होता है तो सबसे पहले दिखाई देता है, लेकिन आवाज़ बाद में आता है। तो इसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए जो लाइट की टेक्नोलॉजी है, इसी जो लेज़र आपसे मैं बात करता था कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसी के बेस पे देखिए कितने, यानी उस पर जो सिग्नल की ट्रेवलिंग हुई। तो यही हमारा जो लाइटिंग सिस्टम है इसी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के बेस पे ही सारा चीज़ें जो है दिखता है हमको। अब हमारे आई का जो फिक्स वो चीज़ें हैं देखने का कि कुछ चीज़ें हैं नहीं देख पाते, वही चीज़ को ये आसान कर देगा, ठीक। जो चीज़ आप नहीं देख पाते उसे भी दिखाने का काम करेगा ये टेक्नोलॉजी। तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और हर जगह ये समझ लीजिए ये टेक्नोलॉजी का जो छूट है ये लोगों को, ये जितना इधर छूट दिया गया है ये छूट ही है। और क्योंकि अगर छूट नहीं होगा तो ये इंटेलिजेंस नहीं हो पाएगा, ये सिस्टम पकड़ नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोगों का जो देखा जाए ये वो चीज़ें प्राकृत से जुड़ी है, और प्राकृत जो है कभी देखिए धूप है, कभी छांव है, कभी बहुत ही बारिश हो रहा है, कभी बहुत ही तूफान चल रहा है, कभी बहुत गर्मी है, कभी बहुत ठंडी है। तो मौसम के अनुसार ये सारी चीज़ें चेंज होता रहता है। और ये जो मैं कैपेसिटर की फ्रिक्वेंसी की बात करता था, इससे आप देखेंगे ये भी इसके जो हीटिंग टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और ये आप किसी भी कैपेसिटर के जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसके जो वो कैपेसिटेंस है वो चेंजिंग हो जाते हैं। इसलिए कई तरीके का देखिए कैपेसिटर भी डिज़ाइन किए जाते हैं कि जिस पे गर्मी सर्दी का इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये सब सारी चीज़ों को क्या है कि ये स्टेशन पकड़ाने का ये जो मेरा सिस्टम है, हम सबका ये जो सिस्टम है ये उसी बेस पे सारी डिज़ाइन की गई है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जितने भी कनेक्शन है, जैसे इंटरनल हम लोगों का कनेक्शन है, यहाँ पे सप्लाई जा रहा है, यहाँ पे सूचना जा रहा है, यहाँ पे सारा मूवमेंट जो है इसी का जो है कॉपी, ये चीज़ें हैं जो कि बहुत सूक्ष्म वोल्टेज पे ये काम कर रहा है 01 के फॉर्म में।
और इसे हम पहले तो हम क्लियर करते हैं इसको, और भी जो जैसे कुछ लोग के दिमाग में होगा कि कैसे इलेक्ट्रिकल है, उसे हम लाइव दिखाएंगे वीडियो के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए। थैंक यू।